रिबन ट्रिप में आज मैं जा रहा हूँ राकापोशी ग्लेशियर व्यू पॉइंट और कोशिश करूँगा बेस कैंप जाने की। आज ही बल्तित फोर्ट से वापसी हुई है इसलिए राकापोशी ग्लेशियर व्यू पॉइंट के लिए थोड़ा लेट हो गया हूँ। करीमाबाद से राकापोशी व्यू पॉइंट तक जाने में मोटरसाइकिल पर 40 से 45 मिनट लगेंगे जबकि गाड़ी पर आप 20 से 25 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। राकापोशी पहाड़ को अगर वादी हमजा के माथे का झूमर कहें तो ये बात गलत ना होगी। पूरी वादी में ये कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा नज़र आता है। ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है जिसका ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ से ढका रहता है और दूर ही से आपको इसकी चमक नज़र आती रहती है। पहाड़ी इलाके में सफ़र एक अजीब तजर्बा होता है। सफ़र करते हुए अगर आप किसी पहाड़ की ओट में आ जाएं, तो यूं लगता है कि शाम होने लगी है लेकिन जैसे ही आप पहाड़ की ओट से बाहर निकलते हैं तो अच्छा खासा दिन निकला होता है। हमजा वैली के टूर पे मैंने आपको बताया था कि आपके ज़्यादातर पिकनिक स्पॉट आपको सड़क पर ही मिलते हैं जिनमें पासू ग्लेशियर, पासू कॉन्स, खुजराब पास और अताबा झील शामिल हैं। इसी तरह राकापोशी का व्यू पॉइंट भी आपको सड़क पर ही मिलेगा। वैसे सड़क पर कई जगह फेंस नहीं लगी हुई और यहाँ स्पीड की हद लिमिट 40 किलोमीटर है लेकिन मैंने अभी तक किसी भी गाड़ी को 60-70 किलोमीटर की स्पीड से कम नहीं देखा। शाहराह काराकोरम को शाहराह रेशम भी कहा जाता है क्योंकि सदियों पहले चीन की पूरी दुनिया पर रेशम में मोनोपोली थी। रेशम की तजारत इसी सड़क से होकर बरेसगीर, वस्त एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक जाती थी इसलिए इस सड़क को शाहराह रेशम भी कहा जाता है जो इसका पुराना नाम है। खुजराब पास की तरफ जाएँ तो अक्सर जगहों पर आपको दरिया की दूसरी जानब ओल्ड सिल्क रूट के कई पैचेज नज़र आते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद चीन की तरफ से हिजरत करने वाले लोग भी इसी पुराने रास्ते से पाकिस्तान आए थे। ये सड़क चीन के शहर काशगर को पाकिस्तानी शहर हसन अब्दाल से मिलाती है जो कि इस्लामाबाद के करीब ही वाकया है। और अगर आप गिलगित से हमजा की तरफ सफ़र करें तो सबसे पहले आपको राकापोशी व्यू पॉइंट ही नज़र आएगा। मैं जब हमजा आया था तो राकापोशी व्यू पॉइंट से रात को गुजरा था इसलिए मुझे इस जगह का नहीं आइडिया कि यहाँ पे किस तरह की सहूलतें मौजूद हैं। यहाँ एक जिप लाइन भी लगाई गई है। रात रुकने के लिए 3000 से 8000 तक के कमरे दस्तियाब हैं। ये एक अच्छा फैमिली स्पॉट है जहाँ आपको सेलुलर कवरेज भी मिलती है और खाने में अच्छी वैरायटी भी मौजूद है। और हम लोग पहुंच गए राकापोशी व्यू पॉइंट। सड़क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स आते हैं और यहाँ पे बोर्ड भी लगे होते हैं और आपको रश से आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे राकापोशी आपको खुल के नज़र आती है। इस वक्त मैं इस ब्रिज पे खड़ा हूँ इस व्यू पॉइंट के। अलियाबाद से हम निकले थे और 30 से 35 मिनट में हम बाइक पर ईजिली पहुँच गए हैं। कोई स्पीड फूड मैं नहीं मारी। यहाँ से आप देखें राकापोशी का व्यू पॉइंट। ये एक नहायत खूबसूरत जो है पहाड़ है और हम इसको कवर करेंगे तो बाइक पे चलते हैं। यहाँ से उन्होंने बताया कि 30 मिनट का ट्रैक है तो इनके 30 मिनट हमारा एक घंटा ही होता है तो देखते हैं। जीप ट्रैक है वैसे जीप वाले यहाँ से 4000 रुपये लेते हैं। आप अभी शाम होने में तकरीबन 2 घंटे रहते हैं। हम लोग बाइक पर इसके बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं जहाँ तक बाइक जा सकेगी जाएंगे
उसके बाद पैदल सफ़र शुरू कर देंगे। राकापोशी बुलंदी के हवाले से दुनिया में 27वीं ऊंची तरीन चोटी है, जबकि पाकिस्तान का ये 12वां ऊंचा तरीन पहाड़ है, जिसकी बुलंदी 7,788 मीटर है। मेरे नज़दीक इसकी बुलंदी से ज़्यादा अहम बात इस पहाड़ की खूबसूरती है। लोकल लैंग्वेज में इसे दोमानी कहा जाता है, जिसका मतलब है बादलों की माँ। ये एक पगडंडी सी बनी हुई है, जिसके ऊपर आपको अब चलते रहना है। कहीं कहीं जाके ये गायब भी हो जाती है। ये वाहिद पहाड़ है जो अपने बेस कैंप के बाद समिट तक 5000 मीटर से ज़्यादा बुलंद है। एक सौ 131वीं ब्रेक ले रहा हूँ, पानी पी के। अच्छा किया पानी की बोतल साथ रखी हुई है, वैसे तो पूरा बैग ही रखा हुआ है। 10 मिनट और और हम राकापोशी के करीब तर होते जा रहे हैं। जहाँ पे हमारी बाइक एंड हुआ था उसके बाद हम पैदल चले। पैदल अगर आप बेस कैंप तक जाना चाहते हैं तो इसको लगते हैं 2 घंटे, और अब हम बेस कैंप के पास हैं। और पीछे ये जो आपको सफ़ेदी का एक सैलाब नज़र आ रहा है, ये राकापोशी है, क्योंकि ये बर्फ़ से ढका रहता है और जब इस पर धूप पड़ती है तो ये ज़्यादा शोखा हो जाता है, इसलिए नज़र नहीं आता कैमरे में। हमें तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। अगर मैं हमजा का आपको सबसे खूबसूरत पहाड़ कहूँ, इसमें गोल्डन पीक भी है, धीरन भी है, स्पांटिक भी है, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, लेकिन राकापोशी शायद सबसे खूबसूरत पहाड़ है मुझे लगता है। और ये सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है, मोर देन 50% ये हमेशा बर्फ़ में रहता है। इसके व्यू करने के 3 आपके पास हैं तरीके। एक आप राकापोशी व्यू पॉइंट है, और दूसरा है पिसन क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से भी आप जा सकते हैं, और तीसरा है राकापोशी व्यू पॉइंट से गिलगित की तरफ जाएं तो एक मज़ीद ट्रैक निकलता है, वो आधा जीप से होता है और उसके बाद थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। तो मैं आया हूँ राकापोशी व्यू पॉइंट से। अगर आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचर करना है तो आप इस तरफ आएँ, क्योंकि ये बहुत ही उजाड़ बियाबान सा इलाका है, लेकिन यह है कि राकापोशी का जो व्यू है वो आपका दिल को, वो आपके दिल को तसल्ली दिए रखता है कि हाँ यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत चोटी है जिसको हम देखने जा रहे हैं। बाकी राइट लेफ्ट बिल्कुल खामोशी है, कोई बंदा नहीं है, और लोग भी यहाँ पे बहुत कम आते हैं, तो इसलिए आप कोशिश करके ग्रुप्स में आ जाएं तो बेहतर है, और डे लाइट में ही वापसी कर लें। फाइनल हमारा हो गया है सेमीफाइनल में जाके। यहाँ से 10 से 12 मिनट दूर रह गया है बेस कैंप, लेकिन ये बेस कैंप का ही एरिया है, यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे भी हुए थे। और 2 घंटे की ट्रैकिंग की है और लग पता गया है, सामान भी हमने गलती की उठा लिया था और रास्ते की वीडियो भी नहीं बना सके। बाइक लगाई हमने जहाँ पर जीप का डेड, जहाँ पर जीप का एंड डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर हमने बाइक लगाई। वालेकुम सलाम जी। ट्रैकिंग की, वैसे तो वो बता रहे थे कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, हमने तकरीबन 1.5 घंटा ट्रैकिंग की है, और काफ़ी हिम्मत मारी है, लेकिन फिर भी शाम होने को है, अभी जल्दी से हमें वापस जाना है। लिंक मैं बाद में भी कर लूँगा, या आपको वैसे बात जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दे दूँगा, क्योंकि अब फ़ौरन से वापसी का प्लान है हमारा।
पॉडकास्ट सीरीज की अगले एपिसोड में हम लोग सैर करेंगे उंजा के उस किले की जो 1000 साल पुराना है और देखेंगे कि 1000 साल पहले लोग कैसे रहा करते थे और साथ खाएंगे उंजा का कुछ रवायती खाना। और अगर आप खुद से उंजा टूर का प्लान करना चाहते हैं तो सारी मालूमात के लिए यहाँ क्लिक करें और अगर देखना चाहते हैं जहेज में मिलने वाले किले की तारीख तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।